आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मस्टर्ड ऑयल का 6 वोल्ट का प्लांट है। जी हाँ, इसकी क्षमता होती है 50 केजी। प्रोजेक्ट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं फैजान शेख, मैनेजिंग डायरेक्टर अहमद एसोसिएट प्लांट एंड प्रोजेक्ट्स। आज इस वीडियो के लिए हम आपको यहां लेके आए हैं, वो है मस्टर्ड ऑयल का प्लांट। जी हां, सरसों का तेल निकालने वाली मशीन के बारे में बात करने आए हैं। आज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम आपको मशीन का लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी दिखाएंगे और साथ में दिखाएंगे किस तरीके से इस मशीन की फिटिंग होती है, कैसे इसका सेटअप किया जाता है। आइए देखते हैं कैसी होती है ये मशीन। तो हम बरेली में अहमद एसोसिएट प्लांट एंड प्रोजेक्ट्स के वेयरहाउस में हैं। आइए देखते हैं मशीन किस तरीके की होती है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मस्टर्ड ऑयल का 6 वोल्ट का प्लांट है। जी हाँ, इसकी क्षमता होती है 50 केजी प्रति घंटा और ये आपको सभी तरीके की सीड का ऑयल निकाल के देता है। सिर्फ सरसों के लिए ही नहीं, ये आपको मूंगफली का भी तेल निकाल के देता है, सीसेम का, इवन आप नारियल तक का तेल निकाल सकते हैं इस मशीन से। तो इस मशीन में क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। ये मशीन जो आप देख रहे हैं, ये 6 वोल्ट की मशीन है। इसके चेंबर के साइज के हिसाब से इसके 6 बोल्ट डिसाइड करे जाते हैं, उसी से कैपेसिटी बनती है। साथ में जब माल इससे निकलता है तो इसकी प्रॉपर फिटिंग के साथ ये फिल्ट्रेशन प्लांट साथ में आता है। ये फिल्ट्रेशन प्लांट है इसका। तो दोस्तों, ये इस तरीके से फिट किया जाता है प्लांट। छोटी सी जगह में आप अपना तेल का व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इस तरीके से फिटिंग करनी होती है मोटर के साथ। एक ही मोटर से आपका फिल्टर और मशीन दोनों ऑपरेट होती हैं। हर मशीन के साथ अलग अलग मोटर का कॉम्बिनेशन चलता है। 6 बोल्ट के साथ हम 10 हॉर्स पावर का 960 आरपीएम का क्रॉम्पटन का मोटर आपको साथ में देते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं ये मशीन कैसे काम करती है। तो दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके की ये मस्टर्ड सीड्स होती हैं। ये मार्केट से ली गई सीड्स हैं दोस्तों। काली सरसों कहते हैं इसको, पीली सरसों भी आती है लेकिन काली सरसों इस तरीके की होती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। इसका डेमोंस्ट्रेशन हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों। वीडियो पे बने रहिए अंत तक, आप देखेंगे किस तरीके का तेल इसमें से निकलता है, कैसे फिल्टर होता है दोस्तों। अब हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये 6 बोल्ट का एक्सपेलर है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये रेडी है मशीन, अभी वर्किंग में है। इस पे हम आपको दिखाएंगे कैसे आप इसमें सरसों डालते हैं, किस तरीके से सेटिंग करते हैं मशीन की। तो आप स्क्रीन पे देखिए, ये इसका केटल है जिसमें माल डलता है और केटल में एक छोटा सा ब्लेड लगा होता है जो माल को निरंतर आपको छाट के नीचे भेजता रहता है। ये हमने इसमें सरसों डाली है और बेहतरीन सरसों मार्केट के रेटों में आपको मिल जाती है। जिस भी तरीके का रेट आपकी मार्केट आपको दे रही है, उसी हिसाब से आपको सरसों के तेल का कैलकुलेशन करना है। तो ये मशीन आपको तकरीबन 50 किलो का एक एवरेज देती है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर सीड में एक ऑयल की क्षमता होती है। आने वाले वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। मैंने इससे पहले आपको एक फ़ोटो में दिखाया था जिसमें हर एक सीड का एक परसेंटेज होता है। जैसे मस्टर्ड सीड में कहते हैं, अगर 1 क्विंटल सरसों की आप पिसाई करते हो, पिराई करते हो, तो उसमें आपको तकरीबन 25 से 30 लीटर तेल निकल आता है। वैसे ही मूंगफली का अलग होता है, मूंगफली में ज़्यादा तेल निकलता है। हर सीड का अपना हिसाब होता है और अलग अलग जगह की अलग अलग सीड के हिसाब से डिफरेंट रहता है। तो इस तरीके से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, देखो ये मशीन में जा रहा है, धीरे धीरे करके इसकी सप्लाई होती है और इसके अंदर जो प्रोपेलर पड़ा होता है उससे क्रश करके लगातार तेल जो है नीचे रिसता है। उसके बाद आप उसे एक कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। कंटेनर में कलेक्ट करके फ़िल्टर अपने पंप से उसको खींच के फिल्ट्रेशन देता है। ये स्क्रीन पे देखिए आप, इस तरीके से इसकी फिटिंग करते हैं मोटर की। एक फाउंडेशन करने के बाद एक ही मोटर से आप अपना फ़िल्टर और मशीन दोनों चला सकते हैं। देखिए आप, खल निकल रहा है दोस्तों, एकदम निचुड़ा हुआ खल है।
इसमें से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हमने कर लिया है। डबल गियर की मशीन का बेनिफिट ही यही है दोस्तों कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन देती है आपको एक बार में ही। तो आप देखिए इस तरीके से खूब सारा तेल रिसता है, रिस के ये कलेक्ट होता है। कलेक्ट करने के बाद आप इसे प्योर फॉर्म में फिल्ट्रेशन करते हैं। तो आपको अपनी जगह पे इस तरीके का एक सिस्टम बिठाना होगा। खल की बात करूँ मैं दोस्तों, तो खल आपको 30 रुपये किलो तक मार्केट में आपका बिक जाता है। तो ये 30 रुपये में जो बिकता है ये भी आपके लिए एक मुनाफा है जो बहुत अलग रहता है। तो आप मार्केट में सभी की पिसाई कर सकते हैं, जो आपके पास सरसों लेके आए उनको पिराई दे सकते हैं, आप उनसे पिराई का पैसा ले सकते हो, उनसे खल ले सकते हो। इस तरीके से आप अपना बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हो दोस्तों। ये खल जानवर खाते हैं, तो उनके लिए आपकी आसपास में अगर कोई डेयरी वाले हैं जिनको दूध की डेयरी है, उनके यहाँ भैंसें पली हुई हैं, तो उन लोगों को इस खल की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो इकट्ठा खरीद के रख लेते हैं। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको फ्लैट 30 रुपये तो कम से कम दे देंगे। और दूसरी बात रही इस मशीन की फ़िटिंग को लेकर दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा फाउंडेशन इसमें नहीं कराना पड़ता है, एक मोटर को फिक्स करने के लिए जगह चाहिए, बाकी ज़मीन में फॉसेटिंग के थ्रू आप ये फिटिंग कर सकते हैं। तो एक मोटर 6 बोल्ट की मशीन पे हम 10 हॉर्स पावर की मोटर रेकमेंड करते हैं, उससे आपको तकरीबन 50 किलो का एवरेज आता है। तो दोस्तों जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारी बेस्ट क्वालिटी की 6 बोल्ट की डबल गियर की मशीन है। तो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो, चाहे आपका सीसेम का या सनफ्लावर सीड्स का तेल हो, आप हर चीज़ का ऑयल इस मशीन से निकाल सकते हैं दोस्तों। सिंगल गियर की मशीन्स आती हैं, सस्ती होती हैं, उनमें आप सभी चीज़ का तेल नहीं निकाल सकते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, मोटर पे लोड ज़्यादा पड़ती है। डबल गियर से फ़ायदा ये है कि आपके मोटर पे लोड कम पड़ता है। तो मैंने आज आपको ये पूरा डेमोंस्ट्रेशन दिखाया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप इसकी जानकारी व्हाट्सएप नंबर पे मंगा सकते हैं। इनके कितने वेरिएंट्स आते हैं उनकी सारी जानकारी ले सकते हैं। अब जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका फ़िल्टर मशीन। ये 14x14 का फ़िल्टर है दोस्तों। इसमें कपड़े का मोटा क्लॉथ लगाया जाता है जिसमें तेल एब्जॉर्ब होके फिर आपको फिल्ट्रेशन मिलता है दोस्तों। ये बहुत ही सटीक और बढ़िया फ़िल्टर है, इतनी सी भी इम्प्योरिटी इसमें नहीं रह जाती है। एक बार फिल्ट्रेशन होने के बाद माल जब निकलता है तो आपका रिस रिस के ये बाहर आता रहता है दोस्तों। फिल्टर्स का भी अपना एक कैपेसिटी होता है। तो आप अगर ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करिए और एक बेहतर व्यवसाय स्टार्ट करिए।